बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हों, खुदा हम सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत जल्द बनने वाला चने का सालन, बनता बहुत मज़े का है। देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चने चाहिए होंगे। मैंने चने काफ़ी सारे बॉयल करके रखे हुए हैं 3 दिन के लिए, जिसमें चना चाट बन सकती है, उसमें फ्रूट चाट में भी मैं चने डाल देती हूँ, उसमें चले जाएंगे, सालन बन सकता है इनके साथ, आलू छोले बन सकते हैं। बजाय ये कि हम कैन के ला के यूज़ करें, घर में उबाल के रखें, हैंडी होंगे, निकालिए और इनको इस्तेमाल कीजिए। देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास ये जो चने हैं 80% डन है, फुली कुक नहीं है। जो बाकी 20% इनकी कसर है वो जब हम पकाएंगे तो उसके अंदर निकल जाएगी। ये मैंने सालन के लिए निकाल के रखे थे, बाकी जो मैंने बॉयल किए हैं वो फुल मैंने बॉयल किए हैं। इस वक्त ये मेरे पास यहाँ पे 5 से 6 कप हैं चने, और 1 कप यहाँ पे मेरे पास हैं। आप 7-8 कप चने जो हैं वो मेयरिंग कप से होते हैं वो लगा लीजिए। हल्का सा मैंने इनके अंदर नमक डाला था और इनको मैंने 80% डन होने के बाद निकाल लिया था। ये चनों का पानी ही मैंने इसके अंदर डाला था क्योंकि ये वाले चने हमने ब्लेंड करने हैं। 1 कप चने यहाँ पर मैंने डाले हैं, जो पानी था इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें डाल देंगे, बाकी के अंदर जो है वो हम ये वाले चने ब्लेंड करके सालन के अंदर डालेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून बिल्कुल लेवल कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लेवल नमक है, 1/2 टेबलस्पून पेपरिका है, 5 यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर हैं। आप इनको ब्लेंड करके डालना चाहें ब्लेंड करके डाल लीजिए, मेरे पास फ्रोजन है, ये हल्क हो जाते हैं यूजली, इनके मैंने छिलके उतार के तो इनको काट के रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज के यहाँ पे प्याज हैं, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास मोटा मोटा कुटा हुआ जीरा है, 1/2 कप इसमें ऑयल का जाएगा, सब्ज मिर्चें हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी तेज़ हैं ये काट के रखी हुई हैं, ये मैंने 5 काटी हैं, 4 जो है वो मैं अंदर डालूंगी सालन जब हमने बनाना है, और 1 या आधी मिर्च का हमने भगार बना के इसके ऊपर लगाना है। 3-4 टेबलस्पून हमें देसी घी चाहिए होगा, आप वनस्पति बटर ऑयल जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे पेपरिका है, थोड़ी सी सब्ज मिर्च, पेपरिका और देसी घी गर्म करके इसका हम भिगार बना के इसके ऊपर डालेंगे, बाद में सब्ज धनिया डालेंगे। सब्ज धनिया मैंने धो के रखा हुआ है लेकिन अभी काटा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए, इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने सॉस पैन के अंदर गर्म कर लिया है, अब प्याज डालेंगे अंदर, हमारा मसाला बन रहा है। मैंने अपनी तरफ से तो कैमरा ऑन किया था लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने 1/2 कप तेल डाला था सॉस पैन के अंदर, उसके बाद मैंने प्याज डाले थे उनको हल्का सा सौते किया था, फिर सब्ज मिर्ची डाली थी, उसके बाद अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून डाला था उनको थोड़ा सा भुना, और उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर अब हम अच्छे से पकाएंगे, इसके अंदर पानी जो है वो इनका अच्छे से खुश्क हो जाएगा, हमारे पास मसाला बच जाएगा, तो फिर इनके अंदर जो है वो हम चने जो हैं वो डाल देंगे। मसाला पहले बनाएंगे उसके बाद चने डालेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं टमाटर अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएं, तो फिर जो है वो चने डालेंगे इसके अंदर और चने डाल के भूनेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चने 80% हमारे पहले से पके हुए हैं। टमाटर डाल के बस इतनी देर इसको पकाएंगे कि ये ऑयल छोड़ दें। अब ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा पानी है अंदर लेकिन ऑयल वो छोड़ रहे हैं। हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, अब इसके अंदर चने डाल देंगे। मीडियम हीट के ऊपर इनको पकने के लिए हम छोड़ देंगे, इनके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मैंने कप में डाल के पानी रखा हुआ है, नीचे जो है वो चने हैं, पानी में थोड़ा सा चनों के अंदर यहाँ से डाल दूंगी,
बाकी जो पानी बचा है उसके अंदर हम चने ब्लेंड कर लेंगे। इनको आप ढाँप के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चने जो अभी 20% कच्चे हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ। अगर आपको लग रहा है मज़ीद कच्चे हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। पकते हैं, मैं चने ब्लेंड कर लूँ, इनके अंदर डालने लगती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। चने आराम से पक रहे हैं, मैंने इनके नीचे हीट जो है वो मीडियम के ऊपर की हुई है। अब मैं मीडियम टू लो के ऊपर इसको ले जाऊंगी। अगर देखते हैं नहीं गले हैं अच्छे से तो फिर इनके अंदर एक कप जितना पानी हम और डाल देंगे। चने उबालते हुए मैं चनों में पानी हिसाब से डालती हूँ कि जितना डालें उसके अंदर चने गल जाएं, बाद में पानी हमारे पास ज़्यादा ना बचे। थोड़ी सी इनमें कसर है, इनके अंदर मैं एक कप जितना पानी जो है वो डाल रही हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं, इसी में इन्होंने जो है वो गल जाना है। अब ये होते हैं, दूसरे वाले चने मैंने ब्लेंड करके रख लिए हैं, वो डालती हूँ तो आपको दिखा रही जो है वो गल गए अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने चने जो रखे हुए थे, एक कप चनों का पानी जो बचा था उबलने के बाद, उनमें डाल के ब्लेंड कर लिया है मैंने इनको। अब हम डालेंगे अंदर अच्छे से, मैंने कप भी कंगाल के अंदर डाल दिए। इसको अब थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम फिर इसको देसी घी, सब्ज़ मिर्च और पेपरिका का तड़का जो है वो लगा देंगे। चने हमारे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे सर्व करने के लिए। बस थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ दें, थोड़ा सा जो हमने इनके अंदर चने पीस के डाले हैं वो पक जाएँ, और पके हुए तो ऑलरेडी हैं, बस थोड़ा सा इसको और पकाना है। बस रेडी हो गए। अब मैं सबसे पहले सूखी मेथी जो है वो इनके अंदर डाल रही हूँ। चूल्हा इसके नीचे अब मैं करने लगी हूँ बंद। तड़का बना के तो अब वो डालेंगे इसके ऊपर। उसके बाद सब्ज़ धनिया मैंने रखा हुआ है काट के, वो जाएगा। पहले इसका तड़का बना के ऊपर डाल। मैंने आग बंद कर दी है, फ्राई पैन मैंने छोटे वाले चूल्हे के ऊपर रखा है। इसके अंदर अब मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप बटर डालना चाहें, देसी घी, ऑयल, जो चीज़ भी इसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं। जो ही ये गर्म होता है इसके अंदर पेपरिका डालेंगे। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी। घी हमारा हो गया गरम,
साथ ही अब पेपरिका डाल देंगे और चूल्हा हम इसके नीचे बंद कर देंगे। इसको जो है वो हम उतार लेंगे ताकि पेपरिका जले नहीं। उतार के इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब चने के ऊपर जो है ये डाल देंगे। आपने जिस बाउल में भी सर्व करने हैं चाहे उसके ऊपर करके डाल दीजिएगा, ऐसे डालना चाहते हैं ऐसे डाल दीजिए। चने अभी चूल्हे पे ही हैं, चूल्हा गर्म है, जब तक ठंडा होगा ये भी सेट हो जाएंगे। सब्ज धनिया थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है, ये चला जाएगा ऊपर। हमारे मज़ेदार चने जो हैं वो रेडी हैं। चने का मज़ेदार सालन तैयार है। इसे आप नान, पराठा, तंदूरी रोटी, कुलचा जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े के लगेंगे। इवन आप इनको थोड़ा सा लीमू डाल के चम्मच के साथ वैसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।